हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्टम अपलोड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्लैट एग्जाम का जो एप्लीकेशन डेट है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कुछ सवाल ऐसा होता है, ये आ सकता है आपके पास दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है क्या एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। दूसरा कि इसके एडमिट कार्ड कब होगा, और आप लोग जानते हैं इसके एग्जाम का जो है वो कब है, वो है 18 दिसंबर को होने वाला है। तो एग्जाम का डेट वगैरह कुछ बढ़ेगा। तो चलिए, आप लोग ये जो आप वेबसाइट जो देख रहे हैं वो मैं क्लैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट में खोल चुका हूँ, तो उसमें क्या नोटिफिकेशन दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं, क्या बढ़ सकता है, येस और नो। तो देखिए, आपको इस तरह से खोल लेना है, कभी भी जानना है आपको, ठीक है, एनएलयूएस के बारे में, क्लैट के बारे में, तो इस वेबसाइट में आपको जाना है। किसमें क्लैट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लैट 2023 के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिखे हुए हैं, तो उससे ये ऑफिशियल नोटिस ये है। आप बाहर कहीं और से देखते हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जो क्लैट का जो हुआ था, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जो क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था अगस्त को, ओके ना, अगस्त को स्टार्ट हुआ था, और इसका लास्ट डेट जो था आज का तारीख 13 दिसंबर को, आज रात 12 बजे तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये रहा लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, ओके ना। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, एग्जाम ही देना पड़ेगा, जो 18 दिसंबर को होने वाला जो एग्जाम है ये है। अब देखिए, जो बच्चे नहीं भर पाए वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं बताऊंगा अभी क्या करना है आप लोग को। और हाँ, जो बच्चे नहीं भर पाए उसके लिए, और देखिए उसके लिए बता रहे हैं, और साथ ही इसका एडमिट कार्ड अब कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो है अभी डेट जो है रिलीज नहीं कर दिया गया, इसी वेबसाइट में, इसी जगह पर आपको वेबसाइट में मिलेगा कि एडमिट कार्ड डेट कब रिलीज होने वाला है। तो जब भी आएगा मैं तुरंत ही वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले, और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो हो गया, ओके ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बच्चे अभी नहीं भर पाए हैं जो क्लैट का फॉर्म, तो क्या एग्जाम डेट बढ़ सकता है या नहीं, जो एग्जाम का डेट बढ़ेगा और साथ एप्लीकेशन का। तो ऐसा कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, अगर कभी भी डेट्स वगैरह बढ़ता है तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा, ओके। अब जो बच्चे नहीं भर पाए वो क्या करेंगे, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि अब वो 2023 में 24 के लिए देंगे, अब नेक्स्ट क्लैट का 24 के लिए देंगे। तो ये कैसे, कब होगा उसका एग्जाम, कब होने वाला है जो 2023 में होगा, तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिस क्या हो चुका है, आ चुका है। मैं आप उसके लिए आगे तो बताऊंगा ही कैसे कैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म, एक चीज बताऊंगा कि कैसे भरना है, कब कब डेट आ रहा है, कैसे तैयारी करना है। फिलहाल अभी मैं क्लैट का बहुत सारा मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, लोग पर समझे उसका एमसीक्यू वगैरह तैयारी करवाएंगे। तो नोटिफिकेशन देखते हैं, ऑफिशियल नोटिस ये देखिए है क्लैट का, यहाँ पे देखिए मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन लास्ट ये 5 पॉइंट जो चौथा जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ये बोलता है कि क्लैट 2024 विल बी हेल्ड इन दिसंबर 2023। तो जो क्लैट का 2024 के लिए जो एग्जाम होगा वो 2023 को कब होगा, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। फॉर एडमिशन कितना, फॉर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स BLLB एंड LLM के लिए, ठीक है ना। 2024-25 के लिए जो एग्जाम जो होगा उसमें आपको क्या होगा, उसमें दिसंबर को ही होगा, मतलब 2023 में दिसंबर को ही एग्जाम होगा। तो एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा अच्छे से मैं, ओके ना। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है बंद हो चुका है, आज के बाद, आज रात के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा भी नहीं। अगर आप किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं बता दूंगा आप सब उनको। तो चलिए, इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था, इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं क्लैट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज बनाता हूँ और अपडेट्स में देते रहता हूँ, ओके ना। तो किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम उपलोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, ओके ना, बाय बाय।